अस्त्र मंत्र के अंत में मुंह फट लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, कषाय तथा गंधयुक्त जल से मल स्नान करावे। तत्पश्चात विधि पूर्वक पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंधयुक्त जल से स्नान कराने के अनंतर अपने नाम से अंकित मंत्र द्वारा फल, रतन, स्वर्णीय तथा गोशरंग के जल से और चंदन से शीला को चर्चित करके उसे वस्त्रों से आच्छादित करे। कडुस्थ आसन देकर याज्ञ मंडप की परिक्रमा करके उस शीला को ले जाए और हृदय मंत्र द्वारा उसे शया अथवा कुश के बिस्तर पर सुला दे। वहां पूजन करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूह का न्यास करने के पश्चात त्रिखंड व्यापक तत्वत्रय का उन शिलाओं में क्रमशः न्यास करे। बुद्धि से लेकर चित्त तक, चित्त के भीतर मात्रकत और तन्मात्रा से लेकर पृथ्वी पर्यंत शिव तत्व, दिगा तत्व तथा आत्म तत्व की स्थिति है। पुष्पमाला आदि से चिन्हित स्थानों पर क्रमशः तीनों तत्वों का अपने मंत्र से और तत्वेशों का हृदय मंत्र से पूजन करे। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम हूं शिव तत्वाय नमः, ओम हां शिव तत्वाधिपते रुद्राय नमः, ओम हां दिघा तत्वाय नमः, ओम हां दिघा तत्वाधिपते विष्णुवे नमः, ओम हां आत्म तत्वाय नमः, ओम हां आत्म तत्वाधिपते ब्राह्मणो नमः। प्रत्येक तत्व और प्रत्येक शिला में पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश इन आठ मूर्तियों का न्यास करे। फिर क्रमशः सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर या ईशान, महादेव तथा भीम इन मूर्तिश्वरों का न्यास करे। मूर्तियों तथा मूर्तेश्वरों का न्यास करे। मूर्तियों तथा मूर्तेश्वरों के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम धरा मूर्ते नमः, ओम धराधिपते सर्वाय नमः। इसके बाद अनंत आदि लोकपालों का क्रमशः अपने मंत्रों से न्यास करे। इंद्र आदि लोकपालों के बीच आगे बताए जाने वाले क्रम से यो जानने चाहिए: लूं, रूं, यूं, व्रूं, श्रूं, शूं, इस्रूं, हूं, शूं। यह नौ शिलाओं के पक्ष में बताया गया है। जब पांच पद की शिलाएं के पक्ष में बताया गया है, जब पांच पद की शिलाएं हो, तब प्रत्येक तत्वमयी शिला में स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि पांच मूर्तियों का न्यास करे। उक्त मूर्तियों के पांच मूर्तिश इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन पांचों का उक्त पांचों मूर्तियों में पूर्वतः पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी मूर्ते नमः, पृथ्वी मूर्ते धीपते ब्राह्मणो नमः इत्यादि मंत्र पूजन के लिए जानने चाहिए। क्रमशः पांच कलशों का अपने नाम मंत्रों से पूजन करके उन्हें स्थापित करे। मध्य शिला के क्रम से विधि पूर्वक न्यास करे। विभूति, कुशा और तिलों से अस्त्र मंत्र द्वारा प्रकार की कल्पना करे। कुंडों में आधार शक्ति का न्यास और पूजन करके तत्वों, तत्वाधिपों, मूर्तियों तथा मूर्तेश्वरों का घृत आदि से तर्पण करे। तत्पश्चात भरमात्म शुद्धि के लिए
मूल के अंगभूत ब्रह्म मंत्रों द्वारा क्रमशः सो सो अहुतियां देकर पूर्ण अहुति पर्यंत होम करने के पश्चात शांति जल से शिलाओं का प्रोक्षण पूर्वक पूजन करें। कुशियाओं द्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्व में क्रमशः सानिध्य और सधान करके फिर शुद्ध न्यास करें। इस प्रकार जा जाकर तीन भागों में कर्म करें। मंत्र यो है ओम आम इर्म आत्म तत्व विधा तत्व भ्याम नमः इति। कुश के मूल आदि से क्रमशः तत्वेश आदि तीन का स्पर्श करें। इसके बाद हस्रव दीर्घ के प्रयोग पूर्वक तत्व अनुसाधन करें। इसके लिए मंत्र यो है ओम ईं ऊं विगा तत्व शिव तत्व भ्याम नमः। तदनंतर घी और मधु से भरे हुए पंचरतन युक्त और पंचगव्य से अग्रभाग में अपेक्षित पांच कलशों का जिनके देवता पंच लोकपाल हैं अपने मंत्रों से पूजन करके उनके निकट होम करें। फिर समस्त शिलाओं के अधिदेवताओं का ध्यान करें। वे शिला आदि देवता विघा स्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं, उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान उद्दीप्त होती है, वे उज्जवल वस्त्र धारण करते हैं और समस्त आभूषणों से संपन्न हैं। न्यूतन आदि दोष दूर करने के लिए तथा वस्तु भूमि की शुद्धि के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा पूर्ण आहुति पर्यंत सो सो आहुतियां दे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रतिष्ठा के अंगभूत शिलान्यास की विधि का वर्णन नामक 92वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। 93वां अध्याय वास्तु पूजा विधि। भगवान शिव कहते हैं स्कंद तदनंतर प्रसाद को आसूत्रित करके वास्तु मंडल की रचना करे। समतल चौकोर क्षेत्र में 64 कोष बनावे। कोनों में 2 वंशों का विन्यास करे। विकोण आगमनी 8 रजुए अंकित करे। वे द्विपद और षडपद स्थानों के रूप में विभक्त होगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करे, जिसकी विधि इस प्रकार है। कुंचित केशधारी वास्तु पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान यो करना चाहिए कि वह आधे मुंह पड़ा हुआ है। कोहनों से सटे हुए उसके 2 घुटने वायव और अग्नि कोल में स्थित हैं, अर्थात दायना घुटना वायव कोल में और बायां घुटना अग्नि कोल में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैतृ नृत्य दिशा में स्थित हैं तथा उसका सिर ऋषान कोल की ओर है। उसके हाथों की अंजलि वक्षः स्थल पर है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरुण हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभकारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं, जो 8 कोणार्ध में स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित मरीचि आदि देवता 6-6 पदों के स्वामी कहे गए हैं और उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता 1-1 पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी संपात महारमम कमल फल त्रिशूल स्वस्तिक वज्र महास्वस्तिक संपूट त्रिक्ति मणिबंध तथा शुभ शुद्धि पद, ये 12 मर्म स्थान हैं।
वास्तु की वित्ती आदि में इन सब का पूजन करे। ईशान रुद्र को धृत और अक्षर चढ़ावे, पर्जन्य को कमल और जल अर्पित करे, जंत को कुलकुम रंचित निर्मल पताका दे, महेंद्र को रतन मिश्रित जल, सूर्य को धूम्रवर्ण का चौदवा, सत्य को घृत युक्त गेहूं तथा ब्रश को उड़द भात चढ़ावे, अंतरिक्ष को विमांस विशिष्ट फल का गुदा या औषधि विशेष अथवा सत्तु सत्तु निवेदित करे। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। अग्निदेव को मधु दूध और घी से भरा हुआ स्त्रुक अर्पित करे। पूषा को लज्जा और वितथ को स्वर्ण मिश्रित जल दे। ग्रहशक्त को शहद तथा यमराज को पल्लोदन भेंट करे। गंधर्व नाथ को गंध, भृंगराज को पक्षी जीवाहा तथा मृग को यव पर्ण जो के पत्ते चढ़ावे। ये 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित होते हैं। पितृ देवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करे। देवारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन दीनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करे। सुग्रीव को पुआ चढ़ावे, पुष्प दंत को कुशा अर्पित करे, वरुण को लाल कमल भेंट करे और असुर को सुरा एवं आसव चढ़ावे। शेष को घी से ओतप्रोत भात तथा पाप यक्षमा रोग को घृत मिश्रित मारिया लवा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मारुत को पीले रंग का ध्वज, नाग देवता को नाग केसर, मुख्य को भक्ष्य पदार्थ तथा बलाट को चोंक बघार कर मूंग की दाल अर्पित करे। सोम को घृत मिश्रित खीर, चर को शालुक, अदिति को लोपी तथा अदिति को पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशा में 6 पदों के उपभोक्ता मरीची को भी मोदक अर्पित करे। ब्रह्मा जी से नीचे अग्नि कोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवता को लाल फूल चढ़ावे। सविता से नीचे वनहि कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करे। ब्रह्मा जी से दक्षिण 6 पदों के अधिष्ठाता विवस्वान को लाल चंदन चढ़ावे। ब्रह्मा जी से नृत्य दिशा में नीचे की कोष्ठ में इंद्र देवता के लिए हल्दी भात अर्पित करे। इंद्र से नीचे नित्य कोण में इंद्रियज के लिए मिष्ठान निवेदित करे। ब्रह्मा जी से पश्चिम 6 पदों में विराजमान मित्र देवता को गुण मिश्रित भात चढ़ावे। वायव कोण से नीचे के पद में रुद्र देवता को घृत पक्व अन्न अर्पित करे। रुद्र देवता से नीचे के कोष्ठ में रुद्रदास के लिए आद्रि मास औषध विशेष निवेदित करे। तत्पश्चात उत्तरवर्ती 6 पदों के अधिष्ठाता पृथ्वीधर के निमित्त उड़द का बना नैवक चढ़ावे। ईशान कोण के निम्नवर्ती पद में आपकी ओर उससे भी नीचे के पद में आपवस्य की विविधवत पूजा करके उन्हें क्रमश दही और खीर अर्पित करे। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तु मंडल में मध्य देशवर्ती 4 पदों में स्थित ब्रह्मा जी को पंचगव्य अक्षत और घृत सहित चरु निवेदित करे। तदनंतर ईशान से लेकर वायव कोण पर्यंत 4 कोणों में स्थित चर की आदि 4 मात्रकाओं का वास्तु के ब्रह्म भाग में क्रमशः पूजन करे। जैसा कि कर्म बताया जाता है, चरकी को संघृत मांस, फल का गुदा, विदारी को दही और कमल तथा पूतना को पल पित्त एवं रुधिर अर्पित करे। पापा राक्षसी को अस्थि हड्डी मांस पित्त तथा रक्त चढ़ावे। इसके पश्चात
पूर्व दिशा में स्कंद को उड़द भात चढ़ावे, दक्षिण दिशा में आर्यमा को खिचड़ी और पुआ चढ़ावे तथा पश्चिम दिशा में जंबक को रक्ति मांस अर्पित करे, उत्तर दिशा में पीलीपीच को रक्ति व्रण का अन्न और पुष्प निवेदित करे अथवा संपूर्ण वास्तु मंडल का कुश दही अक्षत तथा जल से ही पूजन करे। घर और नगर आदि में 81 पदों से युक्त वास्तु मंडल का पूजन करना चाहिए। इस वास्तु मंडल में त्रिपद और षटपद रजुए पूर्वत बनानी चाहिए। उसमें ईर्ष आदि देवता पदीक एक एक पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। आप आदि की स्थिति दो दो कोष्ठों में बताई गई है। मरीचि आदि देवता 6 पदों में अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं। नगर ग्राम और खेत आदि में शतपद वास्तु का भी विधान है। उसमें 2 वंश कोणगत होते हैं, वे सदा दुर्जय और दुर्धर कहे गए हैं। देवालय में जैसा न्यास बताया गया है वैसा ही शतपद वास्तु मंडल में भी विहित है। उसमें स्कंद आदि ग्रह षटपद 6 पदों के अधिष्ठाता जानने चाहिए। चरकी आदि 5-5 पदों की अधिष्ठात्री कही गई है। रज्जु और वंश आदि का उल्लेख पूर्वत करना चाहिए। देश या राष्ट्र की स्थापना के अवसर पर 3400 पदों का वास्तु मंडल होना चाहिए। उसमें मध्यवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवताओं के अधिकार में 54 पद होते हैं। आप आदि 8 देवताओं के स्थान 36 पद बताए गए हैं। वहां ईशान आदि 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं और स्कंद आदि 100 पदों के, चरकी आदि के पद भी तदन अनुसार ही हैं। रज्जु वंश आदि की कल्पना पूर्वत जाननी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तु मंडल में भी वास्तुदेव का पूजा होती है, यह जानना चाहिए। उसमें देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए। 25 पदों का वास्तु मंडल चिता स्थापन के समय विहित है। उसकी वाताल संज्ञा है, दूसरा 9 पदों का भी होता है। इसके सिवा 16 पदों का भी वास्तु मंडल होता है। षटकोण त्रिकोण तथा व्रत आदि के मध्य में चौकोर वास्तु मंडल का भी विधान है। ऐसा वास्तु खात नीव आदि के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए उपयुक्त है। इसी के समान वास्तु भ्रम शिलात्मक पृष्ठ न्यास में शवाक के निवेश में और मूर्ति स्थापन में भी उपयोगी होता है। वास्तु मंडल वर्ती समस्त देवताओं को खीर से नैवेद्य अर्पित करे। उक्त अनुक्त सभी कार्यों के लिए सामान्यतः 5 हाथ की लंबाई चौड़ाई में वास्तु मंडल बनाना चाहिए। ग्रह और प्रसाद के मान के अनुसार ही निर्मित वास्तु मंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वास्तु देवता की विधि का वर्णन नामक 93वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। 94वां अध्याय शिलान्यास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद ईशान आदि कोणों में वास्तु मंडल के बाहर पूर्वत चरकी आदि का पूजन करें। प्रत्येक देवता के लिए क्रमशः 3-3 आहुतियाँ दे। भूत बलि देकर नित्य लगन में शिलान्यास का उपक्रम करे। खात के मध्य भाग में आधार शक्ति का न्यास करे। वहां
अनंत शेष नाग के मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कलश स्थापित करे। लं पृथ्वी नमः, इस मूल मंत्र से इस कलश पर पृथ्वी स्वरूपा शिला का न्यास करे। उसके पूर्व आदि दिग्भागों में क्रमशः सुभद्र आदि 8 कलशों की स्थापना करे। पहले उनके लिए गड्ढे खोदकर उनमें आधार शक्ति का न्यास करने के पश्चात उक्त कलशों को इंद्र आदि लोकपालों के मंत्रों द्वारा स्थापित करना चाहिए। तदनंतर उन कलशों पर क्रमशः नंदा आदि शिलाओं को रखे। तत्व मूर्तियों के अधिदेवता संबंधी शास्त्रों से युक्त वे शिलाएं होनी चाहिए। जैसे दीवार में मूर्ति तथा अस्त्र आदि अंकित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओं में सर्व आदि मूर्ति देवताओं के अस्त्र शस्त्र अंकित रहे। उन शिलाओं पर कोण और दिशाओं के विभाग पूर्वक धर्म आदि 8 देवताओं की स्थापना करे। सुभद्र आदि 4 कलशों पर नंदा आदि 4 शिलाएं अग्नि आदि 4 कोणों में स्थापित करना चाहिए। फिर जय आदि 4 कलशों पर अजीता आदि 4 शिलाओं के पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थापना करे। उन सब के ऊपर ब्रह्मा जी तथा व्यापक महेश्वर का न्यास करके मंदिर के मध्यवर्ती आकाश नामक आधवा का चिंतन करे। इन सब को बलि अर्पित करके विघ्न दोष के निवारणार्थ अस्त्र मंत्र का जाप करे। जहाँ 5 ही शिलाएं स्थापित करने की विधि है, उसके पक्ष में भी कुछ निवेदन किया जाता है। मध्य भाग में सुभद्र कलश के ऊपर पूर्ण नामक शिला की स्थापना करे और अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पद्म आदि कलशों पर नंदा आदि शिलाएं स्थापित करे। मध्य शिला के अभाव में 4 शिलाएं भी मातृभाव से सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त 5 शिलाओं की प्रार्थना इस प्रकार करे। ओम सर्व संदेह स्वरूप में महाविधेय पूर्ण, तुम अंगिरा ऋषि की पुत्री हो। इस प्रतिष्ठा कर्म में सब कुछ सम्यक रूप से ही पूर्ण करो। हे नंदे, तुम समस्त पुरुषों को आनंदित करने वाली हो। मैं यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ। तुम इस प्रसाद में संपूर्णतः तृप्त होकर तब तक सुस्थिर भाव से स्थित रहो जब तक कि आकाश में चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहे। हे वशिष्ठ नंदिनी नंदे, तुम देहधारियों को आयु, संपूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करो। तुम्हें प्रसाद में सदा स्थित रहकर यतन पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ओम कश्यप नंद्री भद्रे, तुम सदा समस्त लोकों का कल्याण करो। देवी, तुम सदा ही हमें आयु, मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ओम देवी जय, तुम सदा सर्वदा हमारे लिए लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करने वाली हो। भृगु पुत्री देवी जय, तुम स्थापित होकर सदा यही रहो और इस मंदिर के अधिष्ठाता मुझ यजमान को नित्य निरंतर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बनो। ओम रिक्ते, तुम अतिरिक्त दोष का नाश करने वाली तथा सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। शुभे, संपूर्ण देश काल में तुम्हारा निवास है। ईशान रूपिणी, तुम सदा इस प्रसाद में स्थित रहो। तत्पश्चात आकाश स्वरूप मंदिर का ध्यान करके उसमें 3 तत्वों का न्यास करे।
फिर विधिवत प्रायश्चित होम करके यज्ञ का विसर्जन करे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शिलान्यास की विधि का वर्णन नामक 94वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। 95वां अध्याय प्रतिष्ठा काल सामग्री आदि की विधि का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद अब मैं मंदिर में लिंग स्थापना की विधि का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। यदि मुक्ति के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि के उद्देश्य से लिंग स्थापना करने का विचार हो तो देवताओं का दिन उत्तरायण होने पर ही वह कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर 5 महीनों में चैत्र को छोड़कर देव स्थापना करने की विधि है। जब गुरु और शुक्र उदित हो तो प्रथम 3 करणों वव, बालव और कोलव में स्थापना करनी चाहिए, विशेषतः शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी 5वीं तिथि तक का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशी को छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से रहित होने पर उत्तम मानी गई है। शतभिक्षा, धनिष्ठा, आद्रा, अनुराधा तीनों, उत्तरा, रोहिणी और श्रवण, ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरंभ करने के लिए महान अभ्युदय कारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, वृक्ष, ये लगन श्रेष्ठ बताए गए हैं। बृहस्पति तृतीय, अष्टम और द्वादश को छोड़कर शेष 9 स्थानों में शुभ माने गए हैं। 7 स्थानों में तो वे सर्वदा ही शुभ हैं। 6, 8, 10, 7 और 4 भावों में बुध की स्थिति हो तो वे शुभ कारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में 6 को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, षष्टम, दशम, द्वितीय और नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बलदायक माने गए हैं। सूर्य 10वें, 3रे और 6ठे भावों में स्थित हो तो शुभ फल देने वाले होते हैं। 3रे, 6ठे और 10वें में राहु को भी शुभ कारक कहा गया है। 6ठे और 3रे स्थान में स्थित होने पर शनिचर, मंगल और केतु प्रशस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, कुरग्रह और पाप ग्रह सभी 11वें स्थान में स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से 7वें स्थान पर ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण 4 चरणों से युक्त होती है। 5वें और 9वें स्थानों पर इनकी दृष्टि आदि 2 चरणों से युक्त बताई गई है। 3रे और 10वें स्थानों को ये ग्रह 1 पाद से देखते हैं तथा 4थे एवं 8वें स्थानों पर इनकी दृष्टि 3 चरणों से युक्त होती है। मीन और मेष राशि का भोग 4.25 नाड़ी तक है। वृक्ष और कुंभ भी 4.25 नाड़ी का ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन 5 नाड़ी, धन वृश्चिक, सिंह और कर्क 4.25 नाड़ी तथा तुला और कन्या राशियां 5.5 नाड़ी का उपभोग करती हैं। सिंह, वृष और कुंभ ये
स्थिर लगन सिद्धिदायक होते हैं। धन तुला और मेष चार कहे गए हैं। तीसरी संख्या के लगन मिथुन कन्या आदि द्विस्वभाव से कहे गए हैं। कर्क मकर और वृषभ ये प्रज्वया संन्यास कार्य के नाशक हैं। जो लगन शुभ ग्रहों से देखा गया हो वह शुभ है, तथा जिस लगन में शुभ ग्रह स्थित हो वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति शुक्र और बुध से युक्त लगन धन आयु राज्य शौर्य अथवा सौख्य बल पुत्र यश तथा धर्म आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्रदान करता है। कुंडली के 12 भावों में से प्रथम चतुर्थ सप्तम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्रीय स्थानों में यदि गुरु शुक्र और बुध हो तो वे संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लगन स्थान में तीसरे 11वें और चौथे स्थानों में पाप ग्रह हो तो वे शुभ कारक होते हैं। अंततः इनको तथा इनसे भिन्न शुभ ग्रहों तथा शुभ तिथियों को विद्वान पुरुष प्रतिष्ठा कर्म के लिए योजित करे। मंदिर के सामने उससे 5 गुनी अथवा मंदिर के बराबर ही या सीढ़ी से 10 हाथ आगे तक की भूमि छोड़कर मंडप निर्माण करे। वह मंडप चौकोर और 4 दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर स्नान के लिए मंडप बनवावे। उसमें भी 1 या 4 दरवाजे हो। यह स्नान मंडप ईशान पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम 3 लिंगों के लिए 3 मंडपों का निर्माण करें। पहले मंडप की हस्तिक संज्ञा है, वह 8 हाथ का होता है। शेष 2 मंडप 1-1 हाथ बड़े होंगे, अर्थात दूसरा मंडप 9 हाथ का और तीसरा 10 हाथ का होगा। इसी तरह अन्य लिंगों के लिए भी प्रति मंडप 2-2 हाथ भूमि भरा दे, जिससे 9 हाथ बड़े 9वें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो सके। प्रथम मंडप 8 हाथ का 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को 2-2 हाथ बढ़ाकर रखे। इसी प्रकार कुल 9 मंडप होने चाहिए। पाद आदि से वृद्ध लिंगों की स्थापना में पादों पायों के अनुसार मंडप बनावे। बाल लिंग रतन जलिंग तथा लोहन लिंग की स्थापना के अवसर पर हास्तिक 8 हाथ वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनावे, अथवा जो देवी का प्रसाद हो उसके अनुसार मंडप बनावे। समस्त लिंगों के लिए प्रसाद निर्माण की विधि शैव शास्त्र के अनुसार जाननी चाहिए। धन घोष विराग कांजन काम राम सुवेश ध्रमर तथा दक्ष ये 9 लिंगों के लिए 9 मंडप के नाम हैं। चारों कोलों में 4 खंभे हो और दरवाजों पर 2-2, यह सब हास्तिक मंडप के विषय में बताया गया है। उससे विस्तृत मंडप में जैसे भी उसकी शोभा संभव हो अन्य खंभों का भी उपयोग किया जा सकता है। मध्य मंडल में 4 हाथ की वेदी बनावे। उसके चारों कानों में 4 खंभे हो। वेदी और पायों के बीच का स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करे। इनकी संख्या 9 अथवा 5 होनी चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में
एक ही कुंड बनावे, वह गुरु का स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंदी हाथ से एक हाथ का कुंड होना चाहिए। 100 आहुतियाँ देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठिका तक के माप से एक अरतन या एक हाथ कुंड बनावे। 1000 आहुतियों का होम करना हो तो एक हाथ लंबा चौड़ा और गहरा कुंड हो। 10,000 आहुति के लिए इससे दूने माप का कुंड होना चाहिए। 1,00,000 आहुतियों के लिए 4 हाथ के और 1,00,00,000 आहुतियों के लिए 8 हाथ के कुंड का विधान है। अग्नि कोण में भागाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, नृत्य कोण में त्रिकोण, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोणों में षटकोण, उत्तर दिशा में कमलाकार, ईशान कोण में अष्टकोण तथा पूर्व दिशा में चतुष्कोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड सब ओर से बराबर और ढालू होना चाहिए। ऊपर की ओर मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भाग में क्रमशः 4, 3 और 2 अंगुल की चौड़ी 3 मेखलाएं होती हैं, अथवा एक ही 6 अंगुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएं कुंड के आकार के बराबर ही होती है। उनके ऊपर मध्य भाग में योनि हो, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति रहे। उसकी ऊंचाई 1 अंगुल और चौड़ाई 8 अंगुल की होनी चाहिए। लंबाई कुंडाग्र के तुल्य हो। योनि का मध्य भाग कुंड के कंठ की भांति हो। पूर्व अग्निकोण और दक्षिण दिशा के कुंडों की योनि उत्तराभिमुख होनी चाहिए। शेष दिशाओं के कुंडों की योनि पूर्वाभिमुख हो तथा ईशान कोण के कुंड की योनि उक्त दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी रह सकती है। कुंडों का जो 24वां भाग है वह अंगुल कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कंठ और नाभि का निश्चय करना चाहिए। मंडप में पूर्व आदि दिशाओं की ओर जो 4 दरवाजे लगते हैं वे क्रमशः पाकड़, गूलर, पीपल और बड़की लकड़ी होनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं के कर्म से इनके नाम शांति, भूति, बल और आरोग्य है। दरवाजों की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ की होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे खुदे हुए गड्ढे में खड़े किए गए हो। उनका विस्तार ऊंचाई या लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनमें आम्र पल्लव आदि की बंधनवारे लगी देनी चाहिए। मंडप की पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः इंद्र आयुध की भांति तिरंगी, लाल, काली, धूमिल, चांदनी की भांति श्वेत, तोते की पाख से समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की तथा स्फटिक मणि के समान उज्जवल पताका फहरानी चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य भाग में ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग की तथा नृत्य और पश्चिम के मध्य भाग में अनंत शेष नाग के लिए नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजों की पताकाएं 5 हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हो। ध्वज दंड की ऊंचाई 5 हाथ की होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथों की पकड़ में आ जाए। पर्वत शिखर, राजद्वार, नंदी तट, घुड़सवार, हाथीसार, विमोट, हाथी के दांतों के अग्रभाग से कोड़ी गई भूमि,
साड़केन सिंह में खोदी गई भूमि कमल समूह के नीचे के स्थान, सुअर की खोदी हुई भूमि, गौशाला तथा चौराहा, इन 12 स्थानों से 12 प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ये द्वादश मात्रकाएं तथा भगवान शिव की स्थापना में 8 प्रकार की मात्रिकाएं ग्रह हैं, बरगद, गुलर, पीपल, आम और जामुन की छाल से पैदा हुई 5 प्रकार की गुण संग्रहणीय है। 8 प्रकार के ऋतु फल मगा लेने चाहिए, तीर्थ जल, सुगंधि जल, सर्वौषधि मिश्री जल, शस्य पुष्प मिश्री जल, स्वर्णीय मिश्रित, रतन मिश्रित तथा गो श्रंग के स्पर्श से युक्त जल, पंचगव्य और पंचामृत, इन सब को देव स्नान के लिए एकत्र करें। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे के बने हुए वज्र आदि आयुध द्रव्य को भी प्रस्तुत रखना चाहिए। सहस्त्र सिद्रों से युक्त कलश तथा मंगल कृत्य के लिए गोरचना भी रखे। 100 प्रकार की औषधियों की जड़ विजया लक्ष्मणा श्वेत कंठकारिका बला अथवा अभ्या हरे गुरुचि अतिबला पाठा सहदेवा शातावरी रिद्धि स्वरचला और वृद्धि, इन सब का पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बताया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहणीय है। भस्म स्नान के लिए भस्म जुटा ले। विद्वान पुरुष स्नान के लिए जो और गेहूं के आटे बेल का चूर्ण विलेपन कपूर कलश तथा गड़ुओं का संग्रह कर ले। खाट 2 तुलिका रुई भरा गद्दा तथा रजाई तकिया चादर आदि अन्य आवश्यक वस्त्र, इन सब को अपने वैभव के अनुसार तैयार करावे और विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखे। घी और मधु से युक्त पात्र सोने की सलाई पूज उपयोगी जल से भरा पात्र शिव कलश और लोकपालों के लिए कलश का भी संग्रह करें। 1 कलश निद्रा के लिए भी होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार उतनी ही शांति कलश रखे जाने चाहिए। द्वारपाल आदि धर्म आदि तथा प्रशांत आदि के लिए भी कलश जुटा ले। वासुदेव लक्ष्मी और गणेश के लिए भी अन्यान्य पृथक पृथक कलश आवश्यक हैं। इन कलशों के नीचे आधार भूमि पर धान्य पुंज रखना चाहिए। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमाल से विभूषित किए जाने चाहिए। इनके भीतर स्वर्णीय डालकर इनका स्पर्श किया जाए और उन्हें सुगंधित जल से भरा जाए। सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र उल्फर लिखे जाए। उनके मुख भाग में पंच पल्लव रहे तथा वे कलश उत्तम लक्षणों से संपन्न हो। कलशों को वस्त्रों से आच्छादित करे। सब ओर बिखेरने के लिए पीली सरसों और लावा का संग्रह कर ले। पूर्वत ज्ञान खड़क का भी संपादन करे। चरु रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मांग ले। तांबे की बनी हुई करछोल तथा पादभ्यंग के लिए घृत और मधु का पात्र भी संग्रहित कर ले। कुश के 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ लंबे चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर ले। इसी तरह
पलाशों के बने हुए चार चार परिधि भी जुटा ले। तिल पात्र, हव्यश्य पात्र, अघर्य पात्र और पवित्रक एकत्र करे। इनका मान 20-20 पल है। घंटा और धूपदानी भी मांग ले। स्त्रुक, स्त्रुवा, पिटक, पिटारी एवं टोकरी, पीठ, पीड़ या चौकी, व्यंजन, सुखी, लकड़ी, फूल, पत्र, गुगुल, घी के दीपक, धूप, अक्षत, तिगुना सूत, गाय का घी, जो, तेल, कुशा, शांति कर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ, मधु, शक्कर और घी, 10 पर्व की समिधाएं, बाह बराबर या एक हाथ का इसरुवा, सूर्य आदि ग्रहों की शांति के लिए समिधाएं, आक, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, शमी, दुर्वा और कुश भी संग्रहणीय हैं। आक आदि प्रत्येक की समिधाएं 108-8 होनी चाहिए। ये ना मिल सके तो इनकी जगह जू और तिलों की आहुति देनी चाहिए। इनके सिवा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का भी संग्रह करें। बटलोई, करछूल, ढक्कन आदि जुटा ले। देवता आदि के लिए प्रत्येक को दो दो वस्त्र देने चाहिए। आचार्य की पूजा के लिए मुद्रा, मुकुट, वस्त्र, हार, कुंडल और कंगन आदि तैयार करा ले। धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। मूर्ति धारण करने वाले तथा अस्त्र मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा दे। सामान्य ब्राह्मणों, ज्योतिषियों तथा शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर ही पूजा देनी चाहिए। हीरा, सूर्यकांत मणि, नीलमणि, अति नीलमणि, मुक्ताफल, पुष्पराग, पद्मराग तथा आठवां रतन वैधूर्य मणि, इनका भी संग्रह करे। उशीर खस, विष्णुक्रांता, अपराजिता, रक्तचंदन, अगरु, श्रीखंड, शारीवा, अनंता या श्यामलता, कुष्ठकुट और शंखनी, श्रवित पुनांग, इन औषधियों का समुदाय संग्रहणीय है। सोना, तांबा, लोहा, रागा, चांदी, कासी और सीसा, इन सब की लोहा संज्ञा है। इनका भी संग्रह करे। हरिताल, मैंसिल, गेरू, हेमनाक्षिक, पारा, वैगेरिक, गंधक और अभ्रक, ये 8 धातुएं संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार 8 प्रकार के व्रेहों अनाजों का भी संग्रह करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, गेहूं, तिल, उड़द, जो, मूंग, तिन्नी और सावा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रतिष्ठा, काल और सामग्री आदि की विधि का वर्णन नामक 95वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। 96वां अध्याय प्रतिष्ठा में अधिवास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पुरोहित को चाहिए कि वह स्नान करके प्रातः काल और मध्यान्ह काल दोनों समयों का नित्यक्रम संपन्न करके मूर्ति रक्षक सहायक ब्रह्माणों के साथ यज्ञो मंडप को पधारे। मूर्ति बिजोरपी विप्रभेह। इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में जाए।
ऐसा अर्थ समझना चाहिए। फिर वहां शांति आदि द्वारों का पूर्वत क्रमशः पूजन करें। इन द्वारों की दोनों शाखाओं पर प्रदक्षिण क्रम से द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी और महाकाल की, दक्षिण दिशा में भृंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ और स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी और चंड की पूजा करें। द्वार शाखाओं के मूल देश में पूर्व आदि क्रम से दो दो कलशों का पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार हैं, पूर्व दिशा में प्रशांत और शिशिर, दक्षिण में पर्जन्य और अशोक, पश्चिम में भूत संजीवन और अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीप्रद। इन दो दो कलशों की क्रमशः पूजा का विधान है। इनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत रूप रखे, यही इनके पूजा का मंत्र है। यथा ओम प्रशांत शिशिराभ्याम नमः इत्यादि। लोक दो, ग्रह दो, वसु दो, द्वारपाल दो, नदियां दो, सूर्य तीन, युग एक, वेद एक, लक्ष्मी तथा गणेश, इतने देवता यज्ञ मंडप के प्रत्येक द्वारपाल रहते हैं। इनका कार्य है विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ का संरक्षण। पूर्व आदि दश दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड़ग, पाश, ध्वज, गधा, त्रिशूल, चक्र और कमल की क्रमशः पूजा करें, तथा प्रत्येक दिशा में दिक्पाल की पताका का भी पूजन करें। पूजन के मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, ओम हूं हहं वज्राय हूं फट, ओम हूं हहं शक्ते हूं फट इत्यादि। कुमुद, कुमुदाक्ष, कुंड्रिकाक्य, वामन, शकुकर्ण, सर्वनेत्र अथवा पदम नेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये ध्वजों की आठ देवता हैं, जो पूर्व आदि दिशाओं में कोटि कोटि भूतों सहित पूजनीय हैं। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं, ओम कुं कुमुदाय नमः इत्यादि। हेतुक अथवा हेरुक, त्रिपुरंघन, शक्ति अथवा व्रंगहिनी, यम जीवः, काल, छठा कराली, सातवां एकाडिग्र और आठवां भीम, ये क्षेत्रपाल हैं। इनका क्रमशः पूर्व आदि आठ दिशाओं में पूर्वत पूजन करें। बलि पुष्प और धूप देकर इन सब को संतुष्ट करें। तदनंतर उत्तम एवर पवित्र तृणों पर अथवा बांस के खंभों पर क्रमशः पृथ्वी आदि पांच तत्वों की स्थापना करके सघोजात आदि पांच मंत्रों द्वारा उनका पूजन करें। सदाशिव पदव्यापी मंडप का, जो भगवान शंकर का धाम है तथा पताका एवं शक्ति से संयुक्त है, पाठांतर के अनुसार पाताल शक्ति या पिनाक शक्ति से संयुक्त है, तत्व दृष्टि से अवलोकन करें। पूर्वत दिव्य अंतरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण करके पश्चिम द्वार में प्रवेश करें और शेष दरवाजों को बंद करा दे अथवा शेष द्वारों का दर्शन मात्र कर ले। प्रदक्षिण क्रम से मंडप के भीतर जाकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूर्वत भूत शुद्धि करे। अनंत्यार्घ, विशेषयाग्र, मंत्र द्रव्य आदि शोधन, स्वास्तम पूजन तथा
पंचगव्य आदि पूर्वत करे। फिर वहां आधार शक्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक कलश स्थापन करे, विशेषतः शिव का ध्यान करे। तदनंतर क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करे। ललाट में शिव तत्व की, स्कंद देश में विघा तत्व की तथा पादांत में भाग में उत्तम आत्म तत्व की भावना करे। शिव तत्व के रुद्र, विघा तत्व के नारायण तथा आत्म तत्व के ब्रह्मा देवता हैं। इनका अपने नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के आदि बीज क्रमशः इस प्रकार हैं, ओम ईम आम। मूर्तियों और मूर्तेश्वरों की वहां पूर्वत स्थापना करे। उनमें व्यापक शिव का सांग पूजन करके मस्तक पर शिव हस्त रखे। भावना द्वारा ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रविष्ट हुए तेज से अपने बाहर भीतर की अंधकार राशि को नष्ट करके आत्म स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करे कि वह संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित कर रहा है। मूर्ति पालकों के साथ अपने आप को भी हार वस्त्र और मुकुट आदि से अलंकृत करके मैं शिव हूँ ऐसा चिंतन करते हुए बोधासी ज्ञानमय खड़ग को उठावे। चतुष्प दांत संस्कारों द्वारा यज्ञ मंडप का संस्कार करे। बिखेरने योग्य वस्तुओं को सब ओर बिखेर कर कुश की कूची से उन सबको समेटे। उन्हें आसन के नीचे करके वरदानी के जल से पूर्वत वास्तु आदि का पूजन करे। शिव कुभास्त्री और वरदानी के सुस्थिर आसनों की भी पूजा करे। अपनी अपनी दिशा में कलशों पर विराजमान इंद्र आदि लोकपालों का क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदि के साथ यथा विधि पूजन करे। पूर्व दिशा में इंद्र का चिंतन करे। वे इरावत हाथी पर बैठे हैं, उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही है, मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। वे सहस्त्र नेत्र धारण करते हैं, उनके हाथ में वज्र शोभा पाता है, अग्निकोण में सात ज्वालामय जीवाहें धारण किए, अक्षय माला और कमंडलू के लपटों से घिरे रक्त वर्ण वाले अग्निदेव का ध्यान करे। उनके हाथ में शक्ति शोभा पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिषारूढ़ दंडधारी यमराज का चिंतन करे, जो कालिग्न के समान प्रकाशित हो रहे हैं। नृत्य कोण में लाल नेत्र वाले नृत्य की भावना करे, जो हाथ में तलवार लिए शव मूर्त पर आरूढ़ हैं। पश्चिम में मकरारूढ़ श्वेत वर्ण नागपाशधारी वरुण का चिंतन करे। वायव कोण में मृगरूण नीलवर्ण वायु देव का तथा उत्तर में भेड़े पर सवार कुबेर का ध्यान करे। ऋषान कोण में त्रिशूलधारी वृषाभरूढ़ ऋषान का नृत्य तथा पश्चिम के मध्य भाग में कश्यप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का तथा ऋषान और पूर्व के भीतर चार मुख एवं चार भुजा धारण करने वाले हंसवाहन ब्रह्मा का ध्यान करे। खंभों के मूल भाग में स्थित कलशों में तथा वेदी पर धर्म आदि का पूजन करे। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में स्थित कलशों पर अनंत आदि की भी पूजा करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावे और कलशों को अपने पृष्ठ भाग तक घुमावे। तत्पश्चात पहले कलशों को और फिर वरदानी को पूर्वत अपने स्थान पर रख दे। स्थिर आसन वाले शिव का कलश में और शास्त्र के लिए ध्रुवा आसन का
पूर्वत पूजन करके उद्भव मुद्रा द्वारा स्पर्श करे। उस समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, आप अपने अपने भक्त जन पर कृपा करके इस अपने ही यज्ञ की रक्षा कीजिए। यो रक्षा के लिए प्रार्थना सुनाकर कलश में खड़क की स्थापना करे। दीक्षा और स्थापना के समय कलश में वेदी पर अथवा मंडल में भगवान शिव का पूजन करे। मंडल में देवेश्वर शिव का पूजन करने के पश्चात कुंड के समीप जाए। कुंड नाभि को आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने अपने कुंड का संस्कार करे। जप करने वाले ब्राह्मण संख्या रहित मंत्र का जाप करे। दूसरे लोग संहिता का पाठ करे। अपनी शाखा के अनुसार वेदों के पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहे। ऋग्वेदी विद्वान पूर्व दिशा में श्री सूक्त पावमानी ऋचा मैत्रेयी ब्राह्मण तथा वृषाकपि मंत्र इन सब का पाठ करे। सामवेदी विद्वान दक्षिण में देवव्रत भारुंड ज्येष्ठ साम रथंतर साम तथा पुरुषगीत इन सब का गान करे। यजुर्वेदी विद्वान पश्चिम दिशा में रुद्र सूक्त पुरुष सूक्त शरोकाध्याय तथा विशेषतः ब्रह्मांड भाग का पाठ करे। अर्थवेदी विद्वान उत्तर दिशा में नील रुद्र सूक्ष्माशुक्षम तथा अर्थ शीर्ष का तत्व परिता पूर्वक अध्ययन करे। आचार्य आरणी मंथन द्वारा अग्नि का उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुंड में स्थापित करावे। अग्नि के पूर्व आदि भागों को पूर्व कुंड आदि के क्रम से लेकर धूप दीप और चरु के निमित्त अग्नि का उद्धार करे। पहले बताए अनुसार भगवान शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करे। देश काल आदि की संप्रता तथा दुनिर्मित की शांति के लिए होम करके मंत्रज्ञ आचार्य मंगलकारिणी पूर्ण आहुति प्रदान करके पूर्वत चरु तैयार करे और उसे प्रत्येक कुंड में निवेदित करे। यजमान से वस्त्र आभूषणों द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्ति पालक ब्राह्मण स्नान मंडप में जाए। भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके ताड़न और अवघुटन की क्रिया करे। पूर्व की वेदी पर पूजन करके मिट्टी काशीय जल गोबर और गोमूत्र से तथा बीच बीच में जल से भगवत प्रतिमा को स्नान करावे। तत्पश्चात भस्म तथा गंधयुक्त जल से नहलावे। इसके बाद आचार्य अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा मूर्ति पालकों के साथ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीताम्बर द्वारा मूर्ति को आच्छादित करके श्रवेत फूलों से उसकी पूजा करे। तदनंतर उसे उत्तर वेदी पर ले जाए। वहां आसन युक्त शया पर सुलाकर कुड़कुम में रंगे हुए सूत से अंगों का विभाजन करके आचार्य सोने की शलाका द्वारा उस प्रतिमा में दोनों नेत्र अंकित करे। यह कार्य शस्त्र क्रिया द्वारा संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाला गुरु नेत्र चिन्ह को अंजन से अंकित कर दे। इसके बाद वह शिल्पी जो मूर्ति निर्माण का कार्य पहले भी कर चुका हो उस नेत्र चिन्ह को शास्त्र द्वारा खोदे अर्थात खुदाई करके नेत्र की आकृति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करे। अर्चा के तीन अंश से कम अथवा
एक चौथाई भाग या आधे भाग में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह की अवतारणा करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई के मान में 3 से भाग देकर एक भाग को त्याग देने से जो मान हो वही लिंग के लक्षण देह का सब ओर से विस्तार होना चाहिए। एक हाथ से प्रस्तर खंड में जो लक्ष्मी रेखा बनेगी उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी जो के 9 भागों में से 1 को छोड़ने और 8 को लेने से होती है। इसी प्रकार डेढ़ हाथ या 2 हाथ आदि के लिंग से लेकर 9 हाथ तक के लिंग में क्रमशः 1/2 भाग की वृद्धि करके लक्ष्मी रेखा बनानी चाहिए। इस तरह 9 हाथ वाले लिंग में 8 जो के बराबर मोटी और गहरी लक्ष्मी रेखा होनी चाहिए। जो शिवलिंग परस्पर अंतर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाए बड़े हो वहाँ लक्ष्म देह का विस्तार एक एक जो बढ़ाकर करना चाहिए। गहराई और मोटाई की वृद्धि के अनुसार रेखा भी 1/3 बढ़ जाएगी। सभी शिवलिंगों में लिंग का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है। लक्ष्म अर्थात चिन्ह का जो नक्षत्र है उसका 8 भाग करके 2 भागों को मस्तक के अंतर्गत रखे। शेष 6 भागों में से नीचे के 2 भागों को छोड़कर मध्य के अवशिष्ट भागों में 3 रेखा खींचे और उन्हें पृष्ठ देश में ले जाकर जोड़ दे। रतनमय लिंग में लक्ष्मण उद्धार की आवश्यकता नहीं है। भूमि से स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्म आदि नदियों से पार्दुभूत हुए शिवलिंग में भी लक्ष्म उद्धार अपेक्षित नहीं है। रतनमय लिंगों के रत्नों में जो निर्मल प्रभा होती है वही उनके स्वरूप का लक्षण परिचायक है। मुख भाग में जो नेत्रों मिलन किया जाता है वह आवश्यक है और उसके सन्निधान के लिए वह लक्षण या चिन्ह बनाया जाता है। लक्षणों उद्धार की रेखा का घृत और मधु से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करके शिल्पी दोष की निवृत्ति के लिए मृतिका आदि से स्नान कराकर लिंग की अर्चना करे। फिर दान मान आदि से शिल्पी को संतुष्ट करके आचार्य को गोदान दे। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्रियां धूप दीप आदि के द्वारा लिंग की विशेष पूजा करके मंगल गीत गाय और सव्य या उपसव्य भाव से सूत्र अथवा कुश के द्वारा स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके न्योछावर दे। इसके बाद यजमान गुण नामक और धनिया देकर उन स्त्रियों को विदा करे। तत्पश्चात गुरु मूर्ति रक्षण ब्राह्मणों के साथ नमः या प्रणव मंत्र के द्वारा मिट्टी गोबर गोमूत्र और भस्म से पृथक पृथक स्नान करावे। एक एक के बाद बीच में जल स्नान करता जाए। फिर पंचगव्य पंचामृत रुखापन दूर करने वाले काश्य द्रव्य सर्वशोधि मिश्रित जल श्रवेत पुष्प फल स्वर्णीय रतन सिंह एवं जो मिलाए हुए जल सहस्रधारा दिव्योष्टि युक्त जल तीर्थ जल गंगा जल चंदन मिश्री जल क्षीर सागर आदि के जल कलशों के जल तथा शिव कलश के जल से अभिषेक करे। रूप खेपन को दूर करने वाला विलेपन लगाकर
उत्तम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्म मंत्र द्वारा पुष्प तथा कवच मंत्र से लाल वस्त्र चढ़ावे, फिर अनेक प्रकार से आरती उतार कर रक्षा और तिलक पूर्वक गीत वाग आदि से विविध द्रव्यों से तथा जय जयकार और स्तुति आदि से भगवान को संतुष्ट करके पुष्प मंत्र से उनकी पूजा करे। तदनंतर हृदय मंत्र से आचमन करके इष्ट देव से कहे, हे प्रभु उठिए। फिर इष्ट देव को ब्रह्म रथ पर बिठाकर उसी के द्वारा उन्हें सब ओर घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए मंडप के पश्चिम द्वार पर ले जाए और वहां शया पर भगवान को पधरावे। आसन के आदि अंत में शक्ति की भावना करके उस शुभ आसन पर उन्हें विराजमान करे। पश्चिमाभिमुख प्रसाद में पश्चिम दिशा की ओर पिंडिका स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखे। शिवकोण में 100 अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित निद्रा कलश और शिव आसन की कल्पना करके हृदय मंत्र से अघर्य दे। देवता को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरो मंत्र द्वारा पूर्व की ओर मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करे। इस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार होने पर चंदन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करे तथा कवच मंत्र से वस्त्र अर्पित करे, घर का उपकरण आदि अर्पित कर दे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक नवैग निवेदन करे। अभ्यंग कर्म के लिए घृत और मधु से युक्त पात्र इष्ट देव के चरणों के समीप रखे। वहां उपस्थित हुए आचार्य शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूहों को उनके अधिपतियों सहित स्थापित करके फूल की मालाओं से उनके 3 भागों की कल्पना करे। वे 3 भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत हैं। उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भाग में आत्म तत्व, द्वितीय भाग में विघा तत्व और तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि कर्म से एक एक अधिपति है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर मूर्तियों और मूर्तिश्वरों का पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से न्यास करे। पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश, ये 8 मूर्ति रूप हैं। इनका न्यास करने के पश्चात इनके अधिपतियों का न्यास करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित हैं: लंग, रंग, शंग, खन, चन, पन, सन, हंग, अथवा त्रिमात्रिक प्रणव तथा हंग अथवा हृदय मंत्र अथवा कहीं कहीं मूल मंत्र इनके मूर्तियों और मूर्तिपतियों के पूजन के उपभोग में आते हैं। अथवा पंच कुंडात्मक याग में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 मूर्तियों का ही न्यास करे। फिर क्रमशः इन 5 अधिपतियों ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ऋषि और सदाशिव का मंत्रज्ञ पुरुष सृष्टि कर्म से न्यास करे। यदि यजमान मुमुक्षु हो तो वह पंच मूर्तियों के स्थान में निवृत्ति आदि 5 कलाओं तथा उनके आजात आदि अधिपतियों का न्यास करे। अथवा सर्वत्र व्याप्ति रूप करणात्मक त्रितत्व का ही न्यास करना चाहिए। शुद्ध अधवा में विघेश्वरों का और अशुद्ध में लोकनायकों का
मूर्तिपतियों के रूप में दर्शन करना चाहिए। भोगी सर्प भी मंत्रेश्वर है। 35, 8, 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमशः कहे गए हैं, यही इनके तत्व हैं। इन तत्वों के अधिपतियों के मंत्रों का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम हां शक्ति तत्वाय नमः इत्यादि। ओम हां शक्ति तत्वाधिपते नमः इत्यादि। ओम हां शारमूर्ते नमः। ओम हां शमामूर्तिधिपते ब्रह्मणो नमः इत्यादि। ओम हां शिवतत्वाय नमः। ओम हां शिवतत्वाय अधिपते रुद्राय नमः इत्यादि। नाभि मूल से उच्चरित होकर घंटा नाद के समान सब ओर फैलने वाले ब्रह्म आदि कारणों के त्याग पूर्वक दशांत स्थान को प्राप्त हुए मन से अभिभिन्न तथा आनंद रस के उन्दमय को पा लेने वाले मंत्र का और निष्कल व्यापक शिव का जो 38 कलाओं से युक्त सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सर्वशक्तिमय तथा सांग है, ध्यान करते हुए उन्हें द्वादश शांत से लाकर शिवलिंग में स्थापित करे। इस प्रकार शिवलिंग में जीव न्यास होना चाहिए जो संपूर्ण पुरुषार्थ का साधक है। पिंडिका आदि में किस प्रकार न्यास करना चाहिए यह बताया जाता है। पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करे और उसे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उसके भाग्य स्वरूप छिद्र में पंचरत्न आदि डालकर उस पिंडिका को लिंग से उत्तर दिशा में स्थापित करे। उसमें भी लिंग की ही भांति न्यास करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। उसका स्नान आदि पूजन कार्य संपन्न करके लिंग के मूल भाग में शिव का न्यास करे। फिर शक्त्यंत वृषभ का भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले प्रणव का, फिर हरांग हुरुंग हिरिंग, इन तीज बीजों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रियाशक्ति सहित आधार रूपणी शीला पिंडिका का पूजन करे। भस्म कुश और तिल से 3 प्रकार परकोटा बनवावे तथा रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपालों को बाहर की ओर नियोजित एवं पूजा करे। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं, ओम ह्रीं क्रियाशक्ते नमः, ओम ह्रीं महागौरी रुद्रे नमः। निम्नांकित मंत्र के द्वारा पिंडिकाका में पूजन करे। ओम ह्रीं आधार शक्ते नमः, ओम ह्रां वृषभाय नमः। धारिका द्वीप्ता आयुग्र ज्योतिषा ब्लोत्कटा धात्री और विधात्री इनका पिंडी में न्यास करे। अथमा वामा ज्येष्ठा क्रिया ज्ञाना और वेदा अथवा रोधा या प्रभी इन 5 नायिकाओं का न्यास करे। अथवा क्रिया ज्ञाना तथा इच्छा इन 3 का ही न्यास करे। पूर्वत शांति मूर्तियों में तमी मोहा शुद्धा निद्रा मृत्यु माया जरा और भया इनका न्यास करे। अथवा तमा मोहा घोरा रति अपजवरा इन 5 का न्यास करे। या क्रिया ज्ञाना और इच्छा इन 3 अधिनायिकाओं का आत्मा आदि 3 तीव्र मूर्ति वाले तत्वों में न्यास करे। यहाँ भी पिंडिका का ब्रह्मशिला आदि में पूर्वत गौरी आदि शंबरों मंत्रों द्वारा ही सब कार्य विधिवत संपन्न करे। इस प्रकार न्यास कर्म करके कुंड के समीप जा उसके भीतर महेश्वर का, मेखलाओं में चतुर्भुज का, नाभि में क्रियाशक्ति का तथा उदर्भ भाग में नाद का न्यास करे। तदनंतर कलश
वेदी, अग्नि और शिव के द्वारा नारी संधान कर्म करे, कमल के तंतु की भांति सूक्ष्म शक्ति उदर्वगत वायु की सहायता से ऊपर उठती और शून्य मार्ग से शिव में प्रवेश करती है। फिर वह उदर्वगत शक्ति वहां से निकलती और शून्य मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिंतन करें, मूर्ति पालकों को भी सर्वत्र इसी प्रकार संधान करना चाहिए। कुंड में आधार शक्ति का पूजन करके तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व, तत्वेश्वर, मूर्ति और मूर्तिवेश्वरों का ग्रत आदि से पूजन और तर्पण करें। फिर उन दोनों तत्व, तत्वेश्वर एवं मूर्ति, मूर्तिवेश्वर को संगीता मंत्रों से 101 सहस्त्र अथवा आधा सहस्त्र आहुतियाँ दे, साथ ही पूर्ण आहुति भी अर्पण करे। तत्व और तत्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूर्तिश्वरों का पूर्वोक रीति से एक दूसरे के सन्निधान में तर्पण करके मूर्ति पालक भी उनके लिए आहुतियाँ दे। इसके बाद द्रव्य और काल के अनुसार वेदों और अंगों द्वारा तर्पण करके शांति कलश के जल से प्रोक्षित कुश मूल द्वारा लिंग के मूल भाग का स्पर्श करके होम संख्या के बराबर जाप करे। हृदय मंत्र से सन्निधापन और कवच मंत्र से अवघुटन करे। इस प्रकार संशोधन करके लिंग की उदर्व भाग में ब्रह्मा और अंत मूल भाग में विष्णु का पूजन आदि करके शुद्धि के लिए पूर्वत सारा कार्य संपन्न कर होम संख्या के अनुसार जाप आदि करे। कुश के मध्य भाग से लिंग के मध्य भाग का और कुश के अग्र भाग से लिंग के अग्र भाग का स्पर्श करे। जिस मंत्र से जिस प्रकार संधान किया गया है वह इस समय बताया जाता है। ओम हांग हंग ओम ओम एं ओम भूम भूम ब्रह्मा मूर्ते नमः। ओम हांग वांग आंग ओम आंग शां भूम भूम वान ब्रह्मी मूर्ते नमः। इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियों के साथ भी अभिसंधान करना चाहिए। पंच मूर्त्यात्मक शिव के लिए भी हृदय आदि मंत्रों द्वारा इसी तरह संधान कर्म करने का विधान है। त्रितात्मक स्वरूप में मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों द्वारा संधान कर्म करने की विधि है। ऐसा जानना चाहिए शीला, पिंडिका एवं वृषभ के लिए भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए अपने मंत्रों द्वारा शाता आदि होम करे और उसे पूर्ण आहुति द्वारा पृथक कर दे। न्यूनता आदि दोषों से छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र से 108 आहुतियाँ दे और जो कर्म किया गया है उसे शिव के कान में निवेदन करे। हे प्रभु, आपकी शक्ति से ही मेरे द्वारा इस कार्य का संपादन हुआ है। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। रुद्रदेव, आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधि पूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्ति से ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें। ओम ह्रीं शंकरी पूर्य स्वाहा। ऐसा कहकर पिंडिका में न्यास करे। तदनंतर ज्ञानी पुरुष लिंग में क्रिया शक्ति का और पीठ विग्रह में ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपेणी शक्ति का न्यास करे। 7, 5, 3 अथवा 1 रात तक उसका निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करे। अधिवासन के बिना
कोई भी याग संपादित होने पर भी फलदायक नहीं होता। अंतः अधिवासन अवश्य करे। अधिवासन काल में प्रतिदिन देवताओं को अपने अपने मंत्र द्वारा सो सो आहुतियां दे तथा शिव कलश आदि की पूजा करके दिशाओं में बलि अर्पित करे। गुरु आदि के साथ रात में नियम पूर्वक वास अधिवास कहलाता है। अधिपूर्वक वस धातु से भाव में धंज प्रत्यय किया गया है, इससे अधिवास शब्द सिद्ध हुआ है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रतिष्ठा के अंतर्गत संधान एवं अधिवास की विधि का वर्णन नामक 96वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। 97वां अध्याय शिव प्रतिष्ठा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद प्रातः काल नित्य कर्म के अनंतर द्वार देवताओं का पूजन करके मंडप में प्रवेश करे। पूर्वोक्त विधि से देहा शुद्धि आदि का अनुष्ठान करे। दिक्पालों का, शिव कलश का तथा वरधानी जल पात्र का पूजन करके अष्ट पुष्पिका द्वारा शिवलिंग की अर्चना करे और क्रमशः आहुतियां दे। अग्नि देव को तृप्त करे। तदनंतर शिव की आज्ञा ले अस्त्राय फट का उच्चारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करे तथा अस्त्राय हूं फट बोलकर वहां के विघ्नों का अपसारण करे। शिला के ठीक मध्य भाग में शिवलिंग की स्थापना ना करे, क्योंकि वैसा करने पर वेद दोष की आशंका रहती है। इसलिए मध्य भाग को त्याग कर एक या आधा जो किंचित ईशान भाग का आश्रय ले, आधारशिला में शिवलिंग की स्थापना करे। मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस अनंत नामधारिणी सर्वधा स्वरूपिणी सर्वव्यापिनी शिला को सृष्टि योग द्वारा अविचल भाव से स्थापित करे अथवा निम्नांकित मंत्र से शिव की आसन स्वरूपा उस शिला की पूजा करे। ओम नमो व्यापनी भगवती स्थिरे अचले दूर्व हिरिंग लंग हिरिंग स्वाहा। पूजा से पहले यो कहे, आधार शक्ति स्वरूपणी शीले, तुम्हें भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ नित्य निरंतर स्थिरता पूर्वक स्थित रहना चाहिए। ऐसा कहकर पूजन करने के पश्चात अवरोधनी मुद्रा से शीला को अवरुद्ध स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दे। हीरे आदि रतन शरीर खश आदि औषधियां लोहा और स्वर्ण कांसे आदि धातु हरिताल आदि धन आदि के पौधे तथा पूर्व कथित अन्य वस्तुएं क्रमशः एकत्र करे और मन ही मन भावना करे कि ये सब वस्तुएं कांति आरोग्य देह वीर्य और शक्ति स्वरूप है। इस प्रकार एकाग्रचित से भावना करके लोकपाल और शिव संबंधी मंत्रों द्वारा पूर्व आदि कुंडों में इन वस्तुओं में से एक एक को क्रमशः डाले। सोने अथवा तांबे के बने हुए कछुए या वृषभ को द्वार के सम्मुख रहकर नदी के किनारे की या पर्वत के शिखर की मिट्टी से युक्त करे और उसे बीच के कुंड में आधी में डाल दे अथवा स्वर्णीय निर्मित मेरु को मूधक अक्षत और अंजन से युक्त करके उसमें डाले अथवा सोने या चांदी की बनी हुई पृथ्वी को संपूर्ण बीजों और स्वर्णीय से संयुक्त करके उस मध्यम कुंड में डाले
अथवा सोने चांदी या सब प्रकार के लोहे से निर्मित स्वर्णीयमय केसरों से युक्त कमल या अनंत शेष नाग की मूर्ति को उसमें छोड़े। शक्ति से लेकर मूर्ति पर्यंत अथवा शक्ति से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व का देवादि देव महादेव के लिए आसन निर्मित करके उसमें खीर या गुगुल का लेप करे। तत्पश्चात वस्त्र से गर्त को आच्छादित करके कवच और अस्त्र मंत्र द्वारा उसकी रक्षा करे। फिर दिक्पालों को बलि देकर आचार्य आचमन करे। शीला और गर्त के संग दोष की निवृत्ति के लिए शिव मंत्र से अथवा अस्त्र मंत्र से विधि पूर्वक 100 आहुतियां दे, साथ ही पूर्ण आहुति भी करे। वास्तु देवताओं को एक एक आहुति देकर तृप्त करने के पश्चात हृदय मंत्र से भगवान को उठाकर मंगल वाघ और मंगल पाठ आदि के साथ ले आवे। गुरु भगवान के आगे आगे चले और चार दिशाओं में स्थित चार मूर्ति पालों के साथ यजमान स्वयं भगवान की सवारी के पीछे पीछे चले। मंदिर आदि के चारों ओर घुमाकर शिवलिंग को भद्र द्वार के सम्मुख नहलावे और अघर्य देकर उसे मंदिर के भीतर ले जाए। खुले द्वार से अथवा द्वार के लिए निश्चित स्थान से शिवलिंग को मंदिर में ले जाए। इन सब के अभाव में द्वार बंद करने वाली शिला से शून्य मार्ग से अथवा उस शिला के ऊपर से होकर मंदिर में प्रवेश का विधान है। दरवाजे से ही महेश्वर को मंदिर में ले जाए, परंतु उनका द्वार से स्पर्श ना होने दे। यदि देवालय का सारंभ है तो किसी कोण से भी शिवलिंग को मंदिर के भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिंग के मंदिर प्रवेश के लिए सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिए। घर में प्रवेश का मार्ग द्वार ही है, इसका साधारण लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वार के घर में प्रवेश किया जाए तो गोत्र का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। तदनंतर पीठ पर द्वार के सामने शिवलिंग को स्थापित करके नाना प्रकार के बाघों तथा मंगल सूचक ध्वनियों के साथ उस पर दुर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा सुमुतिष्ट नमः ऐसा कहकर महापशुपात मंत्र का पाठ करे। इसके बाद आचार्य ग्रत में रखे हुए घट को वहां से हटाकर मूर्ति पालकों के साथ यंत्र में स्थापित करावे और उसमें कुड़कुम आदि का लेप करके शक्ति और शक्तिमान की एकता का चिंतन करते हुए लयांत मूल मंत्र का उच्चारण करके उस आलंबन लक्षित घट का स्पर्श पूर्वक पुनः गर्त में ही स्थापना करा दे। ब्रह्म बाघ के एक अंश, दो अंश, आधा अंश अथवा आठवें अंश तक या संपूर्ण ब्रह्म बाघ का ही गर्त में प्रवेश करावे। फिर नाभि पर्यंत दीर्घाओं के साथ शीशों का आवरण देकर एकाग्रचित हो। नीचे के ग्रत को बालू से पाट दे और कहे, भगवान आप सुस्थिर हो जाइए। तदनंतर लिंग के स्थिर हो जाने पर सकल सावयव रूप वाले परमेश्वर का ध्यान करके शक्त्यंत मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग के स्पर्श पूर्वक उसमें निष्कलीकरण न्यास करे। जब शिवलिंग की स्थापना हो रही हो उस समय जिस जिस दिशा का आश्रय ले उस दिशा के दिक्पाल संबंधी मंत्र का उच्चारण करके पूर्ण आहुति पर्यंत होम करे और दक्षिणा दे। यदि
शिवलिंग से शब्द प्रकट हो अथवा उसका मुख्य भाग हिले या फट फूट जाए तो मूल मंत्र से या बहुरूप मंत्रों द्वारा सो आहुतियां दे। इसी प्रकार अन्य दोष प्राप्त होने पर शिव शास्त्रोक्त शांति करे। उक्त विधि से यदि शिवलिंग में न्यास का विधान किया जाए तो कर्ता दोष का भागी नहीं होता। तदनंतर लक्षण स्वरूप पीठ बंद करके गौरी मंत्र से उसका लय करे, फिर पिंडी में सृष्टि न्यास करे। लिंग के पार्श्व भाग में जो संधि छिद्र हो उसको भालू एवं वज्र लेप से भर दे। तत्पश्चात गुरु मूर्ति पालकों के साथ शांति कलश के आधे जल से शिवलिंग को नहलाकर अन्य कलशों तथा पंचामृत आदि से भी अभिषिक्त करे। फिर चंदन आदि का लेप लगा जगदीश्वर शिव की पूजा करके उमा महेश्वर मंत्र द्वारा लिंग मुद्रा से उन दोनों का स्पर्श करे। इसके बाद छह अधवाओं के न्यास पूर्वक त्रितत्व न्यास करके मूर्ति न्यास, देखपाल न्यास, अंग न्यास एवं ब्रह्म न्यास पूर्वक ज्ञान शक्ति का लिंग में तथा क्रिया शक्ति का पीठ में न्यास करने के पश्चात स्नान करावे, गंध का लेपन करके धूप दे और व्याप रूपक से शिव का न्यास करे। हृदय मंत्र द्वारा पुष्पमाला, धूप, दीप, नवैग और फल निवेदन करे। यथाशक्ति इन वस्तुओं को निवेदित करने के पश्चात महादेव जी को आचमन करावे, फिर विशेष अघर्य देकर मंत्र जपे और भगवान के वारदायक हाथ में उस जप को अर्पित करने के पश्चात इस प्रकार कहे, हे नाथ, जब चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति रहे तब तक मूर्तिशों तथा मूर्ति पालकों के साथ आप स्वेच्छापूर्वक ही इस मंदिर में सदा स्थित रहे। ऐसा कहकर प्रणाम करने के पश्चात बाहर जाएं और हृदय या प्रणव मंत्र से वृषभ नंदिकेश्वर की स्थापना करके फिर पूर्वत बलि निवेदन करें। तत्पश्चात न्यूनता आदि दोषों के निराकरण के लिए मृत्युंजय मंत्र से 100 बार समिधाओं की आहुति दे एवं शांति के लिए खीर से होम करे। इसके बाद यो प्रार्थना करे, महाविभु, ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक कर्म में जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण करे। यो कहकर यथाशक्ति स्वर्ण, पशु एवं भूमि आदि संपदी तथा गीत वाग आदि उत्सव सर्व कारणभूत अंबिका नाथ शिव को भक्ति पूर्वक समर्पित करे। तदनंतर 4 दिनों तक लगातार दान एवं महान उत्सव करे। मंत्रज्ञ आचार्य को चाहिए कि उत्सव के इन 4 दिनों में से 3 दिनों तक तीनों समय मूर्ति पालकों के साथ होम करे और 4th दिन पूर्ण आहुति देकर बहुरूप संबंधी मंत्र से चरु निवेदित करे। सभी कुंडों में संपाता आहुति से शोधित चरु अर्पित करना चाहिए। उक्त 4 दिनों तक निर्माल्य ना हटावे। 4th दिन के बाद निर्माल्य हटाकर स्नान कराने के पश्चात पूजन करे। सामान्य लिंगों में साधारण मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। लिंग चैतन्य को छोड़कर स्थाणु विसर्जन करे। असाधारण लिंग में शमस्व इत्यादि कहकर विसर्जन करे। आवाहन, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्ति रूपता और प्रतिष्ठा, ये 5 बातें मुख्य हैं। कहीं कहीं प्रतिष्ठा के अंत में स्थिरता आदि गुणों की सिद्धि के लिए 7 आहुतियां देने का विधान है। भगवान शिव स्थिर, अप्रमेय, अनादि, बोध स्वरूप, नित्य, सर्वव्यापी, अविनाशी एवं आत्मतृप्त हैं। महेश्वर की सन्निधि या उपस्थिति के लिए ये गुण कहे गए हैं। आहुतियों का कर्म इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, स्थिरो भवम नमः स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार
इस कार्य का संपादन करके शिव कलश की भांति दो कलश और तैयार करे। उनमें से एक कलश से जल से भगवान शिव को स्नान कराकर दूसरा यजमान के स्नान के लिए रखे। कहीं कहीं कर्म स्थानाय धारयतः ऐसा पाठ है। इसके अनुसार दूसरे कलश का जल कर्म अनुष्ठान के लिए स्थापित करे, यह अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद बलि देकर आचमन करने के पश्चात शिव की आज्ञा से बाहर जाए। यज्ञ मंडप के बाहर मंदिर के ईशान कोण में चंडिका स्थापन पूजन करे। फिर मंडप में धाम के गर्भ के बराबर उत्तम पीठ पर आसन की कल्पना करके पूर्वत न्यास होम आदि का अनुष्ठान करे। फिर ध्यान पूर्वक सगोजात आदि की स्थापना करके वहां ब्रह्मांगों द्वारा विधिवत पूजन करे। ब्रह्मांगों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है उसे सुनो। ओम वन सगोजाताय होम फट नमः। ओम विन वाम देवाय हूं फट नमः। ओम वून अगुराय हूं फट नमः। इसी प्रकार ओम वे तत्पुरुषाय हूं फट नमः तथा ओम वोन ऋषाय हूं फट नमः ये मंत्र हैं। इस प्रकार जप निवेदन करके तर्पण करने के पश्चात स्थूर्ति पूर्वक विज्ञापना देकर चंडेश से प्रार्थना करें। हे चंडेश, जब तक श्री महादेव जी यहाँ विराजमान हैं तब तक तुम भी इसके समीप विघ्मान रहो। मैंने आज्ञावश में जो कुछ भी न्यूनता अधिक कर्म किया है वह सब तुम्हारे कृपा प्रसाद से पूर्ण हो जाए। तुम स्वयं उसे पूर्ण करो। जहाँ बाणलिंग नर्मदेश्वर हो, जहाँ चल लोहामय स्वर्णमय लिंग हो, जहाँ सिद्धलिंग ज्योतिष लिंग आदि तथा स्वयंभू लिंग हो, वहाँ और सब प्रकार की प्रतिमाओं पर चढ़े हुए निर्माल्य में चंडेश का अधिकार नहीं है। चंड का पूजन करके स्नापक अभिषेक करने वाला गुरु स्वयं ही पत्नी और पुत्र सहित यजमान को पूर्व स्थापित कलश के जल से स्नान करावे। यजमान भी स्नापक गुरु का महेश्वर की भांति पूजन करके धन की कंजूसी छोड़कर उन्हें भूमि और स्वर्ण आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात मूर्ति पालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणों का ज्योतिषी का और शिल्पी का भी भली भांति विधिवत पूजन करके दोनों ओर अनाथों आदि को भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरु से इस प्रकार प्रार्थना करे। हे भगवान, यहाँ सम्मुख करने के लिए मैंने आपको जो कष्ट दिया है वह सब आप क्षमा करे, क्योंकि नाथ आप करुणा के सागर हैं, अंतः मेरा सारा अपराध भूल जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले यजमान को सद्गुरु अपने हाथ से कुश पुष्प और अक्षत कुंज के साथ प्रतिष्ठा जनित पुण्य की सत्ता समर्पित करे, जिसका स्वरूप चमकते हुए तारों के समान दीप्तिमान है। तदनंतर पशुपात मंत्र का जाप करके परमेश्वर को प्रणाम करने के अनंतर भूत गणों को बलि अर्पित करे और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यो निवेदन करे। आप लोगों को तब तक यहाँ स्थित रहना चाहिए जब तक महादेव जी यहाँ विराजमान हैं।